अपने होटल में वापस आना चाहो तो मस्जिद के इलाके से होटल एरोमा तक 200 रुपीस चार्ज बेसिस पे आप होटल तक आ सकते हो, उठा सकते हो। ऐसा लगता है कि आप जंगल की सवारी कर रहे हो। काफी सकड़ी सीमेंटेड रोड है जो समतल से एकदम पहाड़ी की चोटी तक जाती है। हम देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ और उनके बीच से ये सड़कें जा रही हैं। देख सकते हैं मैं अभी स्लोप से उतर रहा हूँ, मेरे पीछे आप ये सड़क चल रही है। यहाँ पे काफी ढलान है जिस कारण आपको काफी कॉशियसली उतरना पड़ता है। देखिए मैं उस ऊपर वाले रास्ते से आया था। चारों तरफ जंगल और जंगल के बीचों से ये सीमेंटेड रोड। कल मैंने ये रास्ता खोजा है अपने होटल तक आने के लिए। ये आप इस रास्ते से होटल एरोमा तक पहुंच सकते हैं मस्जिद मोड़ से, लेकिन चूंकि मैं समतल का निवासी हूं इसीलिए यहां से होटल से नीचे तक जाना मेरे लिए काफी आसान है, लेकिन आना उतना ही थोड़ा मुश्किल क्योंकि काफी चढ़ाई है इसमें। आप आसानी से उतर सकते हैं लेकिन अब देख सकते हो चारों तरफ जंगल, भयंकर ढलान है ये। देख रहे हैं दोस्तों ये पीछे वाली ढलान सड़क। काफी ढलान है पीछे, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। मैं नीचे चल रहा हूँ, अभी नीचे वाली मार्केट जाने वाली सड़क आ चुकी है तो मैं 5 मिनट के अंदर नीचे सड़क पर पहुंच चुका हूँ। हम देख सकते हैं नीचे गाड़ी जा रही है तो मुझे ऊपर से, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ऊपर मैं था, ऊपर से नीचे आने में मुझे 5 मिनट लगे। देखिए लोग नीचे खड़े हुए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। दोस्तों मैं अभी नीचे आ चुका हूँ। ये वाली सड़क भी मार्केट की तरफ जाती है और ये वाली सड़क नैना लेक की तरफ। चलो दोनों अभी मार्केट की एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। ये भी एक मार्केट है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे खाने पीने की काफी व्यवस्थाएं बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि होटल में ही आपको खाना है।
नैनी शहर के दर्शन। देखते हैं फिलहाल कुछ देर तो पहले बहुत हेवी बारिश हो रही थी, देख सकते हैं सड़क भीगा हुआ है, अभी बारिश रुकी हुई है। ये मैगी में क्या क्या डाला आपने? मैगी में क्या क्या डाला? टमाटर, हरा मिर्च, हरा धनिया, नहीं हरी मिर्च नहीं है, मसाला मसाला। जी भैया चाय कितना दादा? बिना चीनी की चाय हो जाएगी।
बेटर देन व्हाट आई मेक एट होम। मैगी तो मैगी है। नहीं कैसा लगा? यानी ये कह रहे हैं कि ये घर में जैसे बनाते हैं उससे तो कहीं बढ़िया है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। बहुत गर्म है, काफी गर्म है, तो खाने में बहुत बढ़िया है ना सर? हाँ सर। दोस्तों, नैनीताल में पाया जाने वाला एक खट्टा मीठा फल जिसे काफल कहते हैं, स्वाद हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कुछ कुछ बेड़ जैसे, बेड़ की तरह, कुछ बेड़ की तरह है लेकिन ठीक ठाक है। ओके, आप टेस्ट कर सकते हो क्योंकि नैनीताल के अलावा आप ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा।